हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी यूकेजी क्लास यानी सीनियर क्लास के बच्चों के लिए ईवीएस की कुछ इम्पोर्टेंट वर्कशीट्स, जिसे फॉलो करके हम बच्चों को ईवीएस से रिलेटेड कई सारे बेसिक नॉलेज की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे नए चैनल इंडियन किड्स पर भी जरूर विजिट करें, उस पर मैंने कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड की हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। जैसे हमारी फर्स्ट वर्कशीट है हाउ डू एनिमल्स हेल्प अस, तो इस वर्कशीट की हेल्प से आप बच्चों को एनिमल्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एनिमल्स लिखे गए हैं, ये एनिमल्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं इसे बच्चों को फाइंड आउट करके सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट हमने लिखा है गोट, गोट हमें किस तरह से हेल्प करता है, मिल्क हनी वुल, सो विच इज द करेक्ट आंसर, मिल्क। तो मिल्क पर हम सर्कल करेंगे। H-E-N, हैन, हैन हमें किस तरह से हेल्प करती है, एग, तो एग पर हम सर्कल कर लेंगे। इसी तरह से शिप, शिप से हमें वुल मिलता है। बी, बी से हमें हनी मिलती है। काउ हमें मिल्क देती है। सो बिल्कुल इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से सिखा सकते हैं कि ये एनिमल्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। सेकेंड वर्कशीट इज सर्कल फाइव सेंस ऑर्गेन्स, यहाँ पर बच्चों को फाइव सेंस ऑर्गेन्स पहचान कर उसे सर्कल करना है। तो कौन कौन से फाइव सेंस ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे ईयर्स, टंग, आईज, नोज एंड स्किन। सो इस तरह से हमारे फाइव सेंस ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। नेक्स्ट वर्कशीट इज मैच विद द करेक्ट आंसर, यहाँ पर बच्चों को करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है। जैसे नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक, तो हम इसके साथ मैच कर लेंगे। नेशनल ट्री, बनियान ट्री। हमारे नेशनल फ्लावर का क्या नाम है, लोटस, तो इसके साथ हम इसे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर, तो हम टाइगर के साथ इसे मैच कर लेंगे। नेशनल फ्रूट, मैंगो। सो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप बच्चों को हमारे नेशनल थिंग्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट में हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को आप बच्चों को रीच करने में और उसे समझने में हेल्प करें, जिससे कि वो सही तरह से इसे आंसर करना सीखें। जैसे फर्स्ट है वी ऑल नीड वाटर, हम सभी को पानी की जरूरत होती है, सो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टी। सेकेंड है ए हट इज अ कच्चा हाउस, एक हट कच्चा हाउस होता है, हाँ, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ट्रू। वी कैन जम्प विथ आवर हैंड्स, क्या हम अपनी हाथों की हेल्प से जम्प कर सकते हैं, नो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ, यानी फॉल्स। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर, क्या दिवाली कलर वाला फेस्टिवल है, हम कलर्स खेलते हैं, नो, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन, सो दिस इज ट्रू, क्योंकि प्लांट्स हमारी काफी हेल्प करती है एयर को क्लीन रखने में, लाइक दिस। नेक्स्ट वर्कशीट इज चूज करेक्ट फेवरेट फूड एंड राइट इन फ्रंट ऑफ एनिमल्स गिवेन, यहाँ पर कुछ फूड्स दिए गए हैं, ये फूड्स किस एनिमल का फेवरेट होता है उसके सामने बच्चों को करेक्टली इसे फील करना है। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट का फेवरेट फूड क्या होता है, शुगर कैन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुगर कैन। बियर हनी, डॉग का फेवरेट फूड क्या होता है, बोन, रैबिट, रैबिट का फेवरेट फूड क्या होता है, कैरेट, और डियर का फेवरेट फूड क्या होगा, ग्रास, जी आर ए एस एस, ग्रास।
सो इस तरह से बच्चों को ये वाली वर्कशीट सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हम रीड कर लेते हैं, रीड एंड कलर ऑल लैंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर बच्चों को लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो व्हीकल रोड पर चलते हैं उसे पहचान कर सर्कल करना है या फिर कलर भी कर सकते हैं। तो लैंड पर चलने वाला कौन कौन सा व्हीकल है? शिप है क्या? नो। कार? यस। तो इसे हम कलर कर लेंगे। एरोप्लेन? नो। टैक्सी? यस। बस? यस। रॉकेट? नो। ट्रक? यस। हेलीकॉप्टर? नो। बोट? नो। रोबोट? नो। जीप? यस। सो इस तरह से हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए, कार, जीप, ट्रक, बस एंड टैक्सी। नेक्स्ट वर्कशीट है क्रॉस दी ऑड वंस। यहाँ पर बच्चों को सभी वर्ड्स केयरफुली रीड करना है और जो ऑड है यानी अलग है उसे पहचान कर क्रॉस करना है, जैसे आईज, ईयर्स, हैंड्स, नोज। तो इसमें हम किसे क्रॉस करेंगे? नोज को, क्योंकि आईज, ईयर्स, हैंड्स ये सभी दो दो की क्वांटिटी में होता है पर नोज एक होता है, तो इसे हम क्रॉस कर लेंगे। सेकेंड इज बनाना, पोटेटो, एप्पल, शुगर कैन। सो इसमें किसे हम क्रॉस करेंगे? कौन सा ऑड है? पोटेटो, क्योंकि ये वेजिटेबल है। पेंसिल, चेयर, टेबल, सोफा। सो इसमें कौन सा हम क्रॉस कर सकते हैं? पेंसिल को, क्योंकि ये सभी फर्नीचर्स हैं। डॉग, टाइगर, कैट, काउ। सो इसमें से कौन सा ऑड है? यस, टाइगर। तो टाइगर को हम क्रॉस करेंगे क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है। संडे, मंडे, जून, ट्यूसडे। सो इसमें हम किसे क्रॉस करेंगे? कौन सा ऑड है? जून, क्योंकि दिस इज नेम ऑफ मंथ। नेक्स्ट इज फिल करेक्ट बॉडी पार्ट्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। फर्स्ट इज वी वर्क और राइट विथ आर हैंड्स, वी सी विथ आर आईज, वी हियर विथ आर ईयर्स, वी स्मेल विथ आर नोज, We test with our tongue. तो है ना बिल्कुल आसान। इस तरह से बहुत ही सिंपल सिंपल वर्कशीट्स बनाकर हम अपने बच्चों को काफी कुछ सिखा सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।